हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडो वेस्ट किचन। आज हम इंडो वेस्ट किचन में बनाने जा रहे हैं एक तीखी और चटपटी सी डिश, गोलगप्पे। गोलगप्पे का वीडियो मैं वैसे आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आज आपको बिना फ्राई किए हुए गोलगप्पे बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम पानी बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और ये धनिया है, पुदीना, अगर जितना हमने धनिया लिया है उससे डबल पुदीना, 3-4 मिर्च, थोड़ा सा अदरक, 1 चम्मच नींबू का रस, 4 चम्मच इमली का पल्प, 1/4 टीस्पून काला नमक जरूरी है, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, थोड़ा सा पिसा धनिया, 1 टीस्पून फुल जीरा मसाला पिसा हुआ, जीरे को भून लिया है और उसको पीस लिया है, 1/2 पानी डालकर हम इसको महीन पेस्ट बना लेंगे। अब इसको मैंने सब पीस लिया है। अब हम एक बड़ा बाउल लेंगे और एक छलनी लेंगे, हम इसको छान लेंगे। इसमें हमें, मैं करीब इसमें 2 गिलास पानी डाल रही हूं। अब मैं इसमें कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ 1 टीस्पून, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा टीस्पून जीरा पिसा हुआ, थोड़ा सा काला नमक, 1/2 खट्टा पानी तैयार है। अब मैं थोड़ा मीठा पानी बनाऊंगी। इसके लिए इमली का पल्प है, 1 गिलास पानी, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून सफेद नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, जीरा पाउडर, पीसी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, एक टीस्पून नींबू का रस, 2-3 चम्मच चीनी, 2-3 चम्मच चीनी। अब ये हमारा मीठा पानी भी तैयार है। अब हम इसमें गोलगप्पों में भरने के लिए आलू मसाला बना लेते हैं। उसके लिए मैंने ये 3 आलू लिए हैं, इनको मैंने उबाल कर फोड़ लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, लाल मिर्च,
आधा बारीक कटा प्याज, जीरा पाउडर, काला नमक, सफेद नमक 1/4 टीस्पून, आधा टीस्पून चाट मसाला, आधा टीस्पून अमचूर पाउडर और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें काले चने या सफेद चने भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उनको उबाल लें और इसमें थोड़े से डाल लें। बंबई में जो पानी पूरी मिलती है उसमें सफेद मटर का इस्तेमाल करते हैं, आलू नहीं भरते हैं। यूपी बिहार की तरफ आलू का मसाला ही भरा जाता है। पता है आपको गोलगप्पे के कितने नाम हैं? फुचका, फुलकी, गोलगप्पा, पानी बतासे, पानी पूरी। अब गोलगप्पों का आलू मसाला हमने तैयार कर लिया है, इसको भी हम साइड में रख देंगे। ये मैं मार्केट से गोलगप्पे लाई हूँ, ये मार्केट में बड़े इजीली मिल जाते हैं। अब हम इनको बिना तेल के फ्राई करेंगे। अब इन गोलगप्पों को रोस्ट करने के लिए हमें एक भारी तली की कढ़ाई लेंगे और उसमें हम 2 कप नमक डालेंगे। ये सिंपल नमक है, सादे वाला नमक है। इसका कलर इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि मैं इसे 2-3 बार इस्तेमाल कर चुकी हूं। इसको हम अच्छे से गर्म होने देंगे। नमक हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम ये गोलगप्पे इसमें 5-6 डाल देंगे। और इसको हम लगातार चलाएंगे। ये देखिए फूलने शुरू हो गए हैं। आप इनके ऊपर ऐसे नमक डाल के इनको उलट पुलट कर अच्छे से चलाकर भून लें। ये देखिए इसमें से कोई भी गोलगप्पा बिना फूले नहीं रहेगा। आप अगर इनको तेल में फ्राई करेंगे तो ये आधे फूलते हैं और आधे नहीं फूलते हैं। ये देखिए और क्रिस्पी भी बहुत है। ऐसे ही करके सारे भून लें। इन गोलगप्पों को अब मैंने नमक में भून लिया है। ये देखिए बहुत अच्छे बने हैं, इसमें एक भी बिना फूला नहीं रहेगा। तो आप देखिए, ये देखिए बिल्कुल करारा है, क्रिस्पी है और खाने में भी टेस्टी लगेगा। ये रेसिपी जब कई बार बच्चे घर में जिद कर बैठते हैं कि गोलगप्पे ही खाने हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी है। भूनने हैं और इसको आप पानी बनाइए और खाइए। मैं आपको एक सर्व करके दिखाती हूँ। पानी मैंने छोटी कटोरी में कर लिया है,
इसमें आप थोड़ा सा भुना जीरा डाल दें, साबुती, आप चाहें तो इसमें बूंदी भी डाल सकती हैं। तो गोलगप्पे हमारे खाने के लिए तैयार हैं। ये देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल ठेले वाला गोलगप्पा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।